नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में एस तो दोस्तों ये जो एडिटोरियल होने वाला संपादकीय ये जनसत्ता का है, और यदि आप संपादकीय से संबंधित इस तरह का जो है कि वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं जो जनसत्ता का दोस्तों आज का संपादकीय दिया है, इन्हें लिखा है तबलीन सिंह ने, ठीक है। वक्त की नब्ज, हाशिए के लोग कहने का मतलब ये कि जो कोरोना की वजह से जो तमाम तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं हमारे समाज में, देश में, प्रदेश में, तो वो एक जो तबका है जो जिस तरह से एक उपेक्षित हुआ है समाज में, वो कौन लोग हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आगे। पत्रकारों का सबसे बड़ा फर्ज है उन लोगों की आवाज़ उठाना जो बेजुबान होते हैं। याद है मुझे अच्छी तरह कि जब पत्रकारिता की दुनिया में पहले पहले कदम रखा था, हर दूसरे दिन किसी जवान लड़की के जल कर मरने की खबर मिलती थी दिल्ली पुलिस से और छपती थी अखबार में अगले दिन, इतनी छोटी कि कई बार लड़की का नाम भी नहीं छापा जाता था। फिर जब हम महिला पत्रकारों से इन मौतों की तहकीकत शुरू की, तब मालूम हुआ दुनिया को कि अक्सर इन लड़कियों को मारा जा रहा था कम दहेज लाने के कारण। लड़कियों के नाम, उनकी तस्वीरें और उनकी कहानियां जब छपने लगीं, तब जाकर संसद में दहेज पर पाबंदी लगाने के लिए कानून पारित हुए। तो ये चीज़ आपको याद होगा। अब स्थितियां तो सामान्य हो चुकी हैं, इस तरह के जो है घटनाएं कम देखी जाती हैं मिलने को, पर आज अगर आपसे आप 10 साल 12 साल 15 साल पीछे जाएँ ना, तो ऐसी तमाम तरह की घटनाएं मिलती थी कि सास ससुर देवर जेठानी के द्वारा किस प्रकार से लड़की को जलाकर, गला घोंटकर, फांसी के फंदे लटकाकर मार दिया गया, ठीक है। ये घटनाएं बहुत तेज़ी से चल रही थी, क्योंकि जो डॉरी सिस्टम है, जो दहेज प्रथा था, उससे बहुत सारे लोग इतने कुत्सित हो गए थे, उस मानसिकता के गुलाम हो गए थे कि देखा देखी, अरे उनके घर वालों ने इतना दहेज दिया, ये आई कुछ नहीं लाई, इतना ही लाई। उसके बाद उस लड़की को जिस प्रकार से मानसिक और शारीरिक रूप से उसे टॉर्चर किया जाता था, वो अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है, शर्मनाक है। उसके बाद है, आज अगर बलात्कार रोकने के लिए सख्त कानून बने हैं तो इसलिए कि महिला पत्रकारों ने इस देश की उन बेटियों की आवाज़ उठाई है जो बेजुबान है। ऐसा नहीं कि इन घिनौने अपराध को हम पूरी तरह रोक पाए हैं, लेकिन इतना ज़रूर हो गया कि आवाज़ न उठाई तो हम पत्रकारों ने तो आज वही पर्दा घिरा रहता ऐसे अपराधों पर, जो कभी इतना मोटा हुआ करता था कि महिलाएं खुद अपनी बेटियों को चुप रहने को कहा करती थीं घर की झूठी लाज रखने के बहाने। तो दोस्तों ये कुरीतियां तो हमारे समाज में हैं, बहुत पहले थीं और आज भी कई परिवारों में, कई समाज में ये है। आप सोचिए, चाहे सती प्रथा रहा हो, चाहे बाल विवाह रहा हो, चाहे तीन तलाक रहा हो, चाहे हलाला रहा हो, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी कुरीतियाँ ही समाज की जो कुछ मूर्खों के द्वारा बना दी गई थी। मैं मूर्ख ही मानता हूँ। क्या आप नहीं समझते हैं कि जो स्त्रियाँ हैं वो इंसान हैं, पर कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गंदी थी ना, वो लोग ये सोचते थे कि जो स्त्रियाँ हैं उन्हें गुलाम की तरह बना के रखो, वो जवाब सवाल न कर पाए, बस जो आप चाहते हैं उस तरह से आप उन्हें कंट्रोल करिए, मॉडरेट करिए। तो ये कहीं ना कहीं जो मानसिकता बनती चली जा रही थी ना, इससे कि स्त्रियां भी महसूस करने लगीं। पर जब कुछ स्त्रियां पढ़ी लिखी, कुछ पत्रकार आईं, तो उन्होंने इन लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जो इस तरह की मानसिकता के उपजे लोग हैं, जो स्त्रियों के ऊपर इतनी बर्बरता करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, आवाज़ उठाया। तो इसीलिए तो कहा जाता है, देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप पत्रकार हैं तभी उठाएं, हर वो व्यक्ति की जिम्मेदारी है जहां गलत हो रहा है किसी समाज पे, किसी व्यक्ति पर अगर वो विरोध करता है तो हमारे नज़र में वो पत्रकार है, वो आईना है जो दुनिया को सच दिखा रहा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहना पड़ रहा है मुझे आज बहुत दुख के साथ कि इस संक्रमण को लेकर बहुत कम पत्रकारों ने अपना फ़र्ज निभाया है। इस बीमारी से सबसे ज़्यादा पीड़ित हुए हैं हमारे सबसे गरीब मजदूर, जो पूर्णबंदी के बाद पैदल निकले थे महानगरों से, क्योंकि पूर्णबंदी की खबर इनको सिर्फ 4 घंटे पहले मिली। उस रात के 12 बजे के बाद अपने गांव तक जाने के लिए उनके पास कोई चारा नहीं पैदल जाने के अलावा। यहां दाद देना ज़रूरी है कि बरखा दत्त को, जिसने इन लाचार लोगों के साथ कोसों कोसों चलकर अपने डिजिटल
चैनल मोजो पर इनकी आवाज़ उठाई। इसके बाद प्रसिद्ध टीवी पत्रकारों को शर्मिंदा होकर इस समस्या पर ध्यान देना पड़ा। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, आजकल के जो पत्रकार हैं महंगे महंगे स्टूडियो में, लाखों का स्टूडियो, उसमें बैठ के वो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो पेपर में आ गया उसी के अंश को काट कर वो बता रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता का मतलब होता है जो समस्याएं हैं जहाँ जन्म ले रही हैं, आप वहाँ जाएं, लोगों से जुड़ें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, उसकी हकीकत में तह जाइए। एक तरह से ये जासूसी ही वाला काम है। पत्रकार बहुत बड़ी चीज़ है, आपको बता दें। कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं कि वहीं पे केसों का निपटारा कर देते हैं, उसकी वास्तविकता को बता देते हैं कि नहीं, ये घटना, ये वारदात किन कारणों से हुई है और इनकी सब इनमें संलिप्तता किस शख्स की है, किस समाज की है। तो ये होना चाहिए। पर आज कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है वो TRP तक सीमित रह गई है, और कुछ मंत्रियों की वजह से उन्हें जैसा लगता कि अपने हाथ के द्वारा संचालित किया जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं जो उसका स्तर बहुत गिरता चला जा रहा है। कुछ लोग झूठे खबरें प्रसारित कर रहे हैं, और आज हमारे देश में दोस्तों पत्रकार सुरक्षित नहीं हैं। पिछले सप्ताह देश के गृह मंत्री ने घोषित किया है कि प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए खास प्रबंध किए जाएंगे। ऐसा ना होता अगर तो कुछ मुट्ठी भर पत्रकारों ने भारत सरकार को शर्मिंदा ना किया होता। कैसे शासक हैं हमारे कि खाड़ी देशों से भारतीय मजदूरों को वापस लाने के लिए नौसेना और वायुसेना की मदद ली जा रही है, और देश के अंदर प्रवासी मजदूरों के लिए बसों का भी इंतजाम नहीं कर सके हैं अभी तक। अब इतनी देर हो गई कि कई लोग घर पहुंचते पहुंचते दम तोड़ चुके हैं। अफसोस की अब भी सोशल मीडिया पर उनके लिए सहानुभूति नहीं धिक्कार दिखता है। पिछले हफ्ते जब मैंने प्रवासी मजदूरों के हाल पर ध्यान आकर्षित करना चाहा तो कई लोगों ने उनको गालियां दी और मुझे भी। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, जिस तरह से राज्यों को एडवाइजरी जारी किया गया था कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके रहने खाने पीने की जो व्यवस्था है राज्य सरकारें करेंगी, स्थानीय प्रशासन करेगा, पर दोस्तों राज्य सरकारें किस तरह से पीछे हट गई, आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी देखा। और इन वजह से दोस्तों जो अराजकता समाज में फैली, और कई लोग तो इतने कुत्सित हो गए कि वो लोग पैदल ही निकल पड़े, अपने घर के लिए रवाना हो गए। कुछ लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो हमारी प्राथमिकता ये बनती थी कि जब आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, इन्हें वो रियायतें, खान पीना नहीं दिया जा रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, पर सरकारें इस चीज़ से अनजान रहीं। इतना संवेदनशील निकले कई लोग कि यहाँ तक कहने लगे कि इन मजदूरों को शहरों में ही रुकना चाहिए था ताकि स्थानीय प्रशासन उनकी देखभाल कर सके। इतना भी उनको मालूम नहीं था कि पैदल जाने पर मजबूर इसलिए हुए लाखों लोग कि उनके पास न पैसे बचे थे, न नौकरियां, न घर और न कोई साधन। अपने बच्चों को जीवित रखने के जब उसने वे मुट्ठी भर पत्रकार मिलने गए तो सबने कहा कि कई दिन भूख रहने के बाद ही वे अपने ग्रामीण घरों तक पैदल जाने को मजबूर हुए थे। अफसोस कि जिन पत्रकारों ने उनकी आवाज़ उठाई उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। इन संक्रमण की कहानी किस इंसानों की बीमार होकर मरने की कहानी है, गरीब लाचार लोगों के भूख से मरने की कहानी है, लेकिन एक दो अखबारों और टीवी चैनलों के अलावा हम पत्रकारों ने इसको आंकड़ों की कहानी बनाकर छोड़ दिया। आज इतने लोग मरे हैं, आज पहला जगह हॉटस्पॉट बन गया है, आज 37,000 का आंकड़ा पार हो चुका है संक्रमित लोगों का। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये आंकड़े बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ महामारी कहाँ तक फैल चुकी है। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे है इंसान जिनकी कहानियाँ हम मीडिया वालों की लापरवाही के कारण सामने नहीं आ रही है। इस बंदी में अखबार अपने फ़ोन पर पढ़ने के बाद दिन भर टीवी और सोशल मीडिया पर खबरें देखती रहती हूँ। विदेशी टीवी चैनल ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ क्योंकि उन पर मिलती हैं इंसानों की कहानियाँ। पिछले हफ्ते रोमानिया से कहानी थी कि एक महिला कि जिसने अपने नवजात बच्चे को पहली बार अपने गोद में उठाया जब वो 3 हफ्तों का हो चुका था कोरोना के कारण। हम पत्रकारों ने चूंकि इस देश के सबसे गरीब, सबसे लाचार लोगों की कहानियों को अनदेखा किया, इसलिए हमारे शासकों ने भी अनदेखा कर दिया। कहाँ हैं वे सांसद और विधायक को जो जीत कर आते हैं इन्हीं लोगों के वोटों से। तो जो इन्होंने यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया है, जो इन्होंने अपने भावनाओं से इस लेख के एक एक शब्दों को सजोया है, आप इसे झुठला नहीं सकते।
इन्होंने जो यहाँ पे बातें रखी हैं, जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया यहाँ पे, ये सही बात है कि यदि मज़दूरों को जिन राज्यों में वो लोग ठहरे हुए थे, रुके हुए थे, वो सारी सुविधाएं मिलती हैं ज़रूरत की, जैसे खाना पीना हुआ, या फिर लैंडलॉर्ड के द्वारा उन्हें धमकियां नहीं दी जाती, पैसा नहीं मांगा जाता रेंट का, तो क्यों वहाँ से आते हैं? तो दोस्तों इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इसके लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। इस लेख से किसी प्रकार की कोई समस्या तो अपना विचार दीजिए। धन्यवाद।